वक्त बताएगा। और सुनो, ये जो वेल्ले बैठे हैं ना, ये ड्रामेबाज, ये फुकरे, ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज। मैं एक नए और खुदा को बिलीव करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बोलते हैं जो मुसलमान होकर, जो पैदाइशी मुसलमान होकर, एक मिनट, मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, उन्हें मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। इंस्टाग्राम जो है वो गायब हो गया था। माइक भाई रोते रोते हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे कि वहाँ पे कंप्लेंट किया, और जो फेसबुक के जो ओनर है, पुलिस ने इमीडिएटली उनको मेल किया। मैंने कहा कि मुझे वहाँ से बाइक चलाना बहुत जरूरी है, और इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम हैक करवा दिया है, क्योंकि एक पोस्ट डाला था मैंने कोई जेल वेल का। तो फिर उन्होंने 24 घंटे में उन्होंने मेरा, जब मैं वहाँ पहुंची, ये आप 8 घंटे में एक्टिवेट हो गया था, वहाँ पहुंची तो मेरा इंस्टाग्राम मुझे मिल गया। इसके लिए मैं मुशीवारा पुलिस की शुक्रगुजार हूँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो ऑनर है उनकी शुक्रगुजार हूँ। क्या उन्होंने मेरा तत्काल मेल किया, पुलिस ने मेल किया, तो 24 घंटे में आया। अगर पुलिस शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं, तो आप पिछले एक साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं। तो ये तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा बुलावा आया था राखी राखी मदीना माशाल्लाह। अरे मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया। बड़े बड़े अमीर खुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है, लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है। खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है, और मैं पिछले मैंने रोजे रखे, पर मैं पिछले एक जब से आदिल से शादी करी पिछले एक साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोजे की है, नमाज पढ़ती हूँ। मेरा बुलावा आ गया, तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या नाम है। मैं भी बहुत काम एकदम काम और खुल हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने तवाफ किए, मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति फील हुई, और ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ, ऐसा लग रहा कि मैं मेरी माँ की कोख में पहुँच गई हूँ। एक माता और पिता का सहारा मुझे वहाँ मिला, और मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों ने वहाँ मुझे इतना प्यार दिया, हर किसी ने प्यार दिया मुझे, शायद उसके नसीब में नहीं था। हालांकि उसने बड़े वादे किए थे शादी के बाद कि हाँ मैं आपको उमरा ले जाऊँगा, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती है कि वो वहाँ नहीं पहुँचा, क्योंकि वो लोग छोटे एक नंबर के हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, शैतान के बच्चों के बारे में मुझे कुछ ना पूछा जाए।